हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड स्मार्ट टिप्स। फ्रेंड्स, गर्मी का मौसम आ गया है और गर्मी में तो भूख वैसे भी कम लगती है, खाना खाने की इच्छा तो कम ही होती है। अगर इस गर्मी में हमें कुछ टेस्टी, हेल्दी, एनर्जेटिक सा ड्रिंक पीने को मिल जाए तो क्या मज़े की बात है। तो मैं आज आपसे 3-4 तरीके की अच्छी टेस्टी सी ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ, जिसे पीकर आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए उसे बनाना शुरू करते हैं। मैं बनाने वाली हूँ वाटरमेलन जूस। मैंने फ्रेश वाटरमेलन को कट करके रख लिया है। यह विटामिन्स एंड मिनरल से भरपूर होता है। इसमें वाटर एंड फाइबर बहुत ज़्यादा होती है और कैलोरी बहुत कम होती है, जिससे हमारे बॉडी को हाइड्रेट रखता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको डालेंगे मिक्सी जार में। इसमें डालेंगे पुदीने की 4 पत्तियाँ, काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे चीनी, 1/2 टुकड़ा नींबू को निचोड़ देना है, 1/2 टुकड़ा फ्रेंड्स इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि वाटरमेलन में तो खुद ही बहुत सारे वाटर होते हैं, तो इसको ऐसे ही अच्छे से पीस लेना है। देखिए फ्रेंड, यह पीस चुका है, अब इसे छान लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे छान लिया है, अब सर्विंग ग्लास में इसे सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्लास में डालेंगे आइस क्यूब। देखिए मेरा वाटरमेलन जूस तैयार हो गया। ये बहुत ही अच्छा टेस्टी सा है, गर्मियों के लिए तो बहुत अच्छी ड्रिंक है, और जो डाइटिंग करता है फ्रेंड उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत कम होता है। फ्रेंड्स, अब मैं बनाने वाली हूँ जलजीरा ड्रिंक। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग एंड कूलिंग ड्रिंक है। मैंने एवरेज का जलजीरा पाउडर लिया है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। 1 सर्विंग ग्लास लेना है, उसमें डालना है आइस क्यूब के कुछ टुकड़े। अब इसमें डालेंगे नींबू के कुछ टुकड़े। ये फ्रेंड्स मिंट लीफ है, ये हमारे पेट को बहुत ही कूल रखता है। इसके टुकड़े करके डालने हैं इस तरीके से। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जलजीरा पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे काला नमक। अब इसमें डालेंगे ठंडा पानी। अब इसको अच्छे से मिला देना है। अब इसमें डालूंगी बूंदी। देखिए फ्रेंड्स, मेरा जलजीरा ड्रिंक तैयार हो गया। यह बहुत ही टेस्टी ड्रिंक बना है, यह डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, तो आपको रेगुलर पीना चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं बनाने वाली हूँ मसाला बटर मिल्क। इसके लिए सर्विंग ग्लास में डालना है आइस क्यूब के कुछ टुकड़े। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पुदीने का पेस्ट, 1/2 छोटी चम्मच डालेंगे काला नमक, थोड़ा सा डालेंगे भुने जीरे का पाउडर। अब इसमें डालेंगे बटर मिल्क और थोड़ा सा डाल देंगे बूंदी। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। फ्रेंड्स, अब मैं बनाने वाली हूँ आम पाना। गर्मियों में तो कच्चे आम बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको अच्छे से छील लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको छील लिया है, अब मैं इसे उबलने के लिए रखूंगी। आप इसे भून भी सकते हैं, इसे आग पे भून के भी आम पाना बनाया जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। मैं इसे उबाल कर बनाने वाली हूँ, तो इसे मैं डालूंगी कुकर में और उसमें डालूंगी 1/2 ग्लास पानी और लगभग 4 सीटी आने तक इसे बॉयल करना है। देखिए फ्रेंड्स, उबले हुए आम के पल को मैंने निकाल लिया है, बीज को अलग कर लिया है। अब इसे डालूंगी मिक्सी जार में। अब इसमें डालेंगे पुदीने की पत्तियां, 1 चम्मच गुड़ डालेंगे। आप गुड़ के जगह पे चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे अगर हेल्दी बनाना है तो आप गुड़ का ही इस्तेमाल करें। और 1 छोटी चम्मच डालेंगे काला नमक। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेना है।
फ्रेंड्स हम पाना बनाना स्टार्ट करते हैं। सर्विंग ग्लास में डालेंगे कुछ आइस के टुकड़े, थोड़ा सा काला नमक, आधा चम्मच जीरा पाउडर, ये भुना हुआ जीरा पाउडर है। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच आम के पल जिसको मैंने पीस के रखा है। अब इसमें डालेंगे ठंडा पानी। अब इसको अच्छे से मिला देना है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेंगे जीरा पाउडर ताकि थोड़ा सा इसका फ्लेवर आए। और इसके ऊपर डाल देंगे पुदीने की पत्ती। देखिए मेरा आम पाना बिल्कुल हो गया तैयार। यह डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल होता है तथा यह इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और लू लगने नहीं देता है। आम पाना गर्मियों में तो ज़रूरी पीना चाहिए फ्रेंड। आम पाना हमारे बॉडी को हाइड्रेट रखता है। देखिए फ्रेंड चार तरीके की मेरी गर्मी के लिए ड्रिंक तैयार हो गई है। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है, आप भी इसे ट्राई करें, गर्मियों में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए फ्रेंड ये वाटरमेलन ड्रिंक है, ये जलजीरा है, ये आम पाना, ये मसाला छाछ। सो फ्रेंड्स इसी तरीके की अच्छी अच्छी टेस्टी हेल्दी रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज को शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू।